आज है 28 अगस्त, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज बेंगलोर से निकले हैं रामेश्वरम के लिए। ओरिजिनल प्लान में ये नहीं था रामेश्वरम जाना, लेकिन बेंगलोर आने के बाद हम लोग सोचे कि चलो इतना दूर आ गए हैं तो यहाँ भी घुमाया जाए। तो हम लोग करीब 5:15 बजे घर से बेंगलोर से निकले हैं और अभी करीब 2 घंटा हो गया है। तो सुबह सुबह अंधेरे में मैं वीडियो नहीं बनाया था, तो अभी शुरू करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे रोड पे और फिर जो भी होगा आपको दिखाते हुए चलेंगे। बेंगलोर से रामेश्वरम जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक मदुरई होके और एक मदुरई को बाईपास कर देता है, मतलब काफ़ी पहले से ही अलग रूट ले लेता है। तो हम लोग मदुरई होते हुए जा रहे हैं क्योंकि ये NH-44 है थ्रू आउट, केवल मदुरई के बाद फिर स्टेट हाईवे पर हम लोग आएंगे। तो थिंकिंग दैट कि रोड अच्छा रहेगा तो हम लोग ये ले लिए। जहाँ तक टाइम का सवाल था, टाइम में केवल 5 मिनट का फ़र्क पड़ता है। हम लोग जो रूट लिए हैं उसमें 5 मिनट या 6 मिनट ज़्यादा बता रहा था। तो अभी जस्ट एक चाय के लिए ब्रेक लिया था, सुबह 5:15 बजे निकलने के बाद करीब 7:30 बजे, और अभी फिर निकल गया। और सामने देखिए कितना घना जंगल है दोनों साइड में। रोड अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, टेम्परेचर 26 डिग्री है अभी। ये देखो आप, प्रोपेलर जा रहा है विंडमिल का यहाँ से। आपको तो मालूम ही होगा कि रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग है, और ये ज्योतिर्लिंग में सबसे महान या सबसे ऊपर वाला महत्व रखता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे भारतवर्ष में। तो हमारा जो है, हम लोगों का आज इसको अगर देख लेते हैं तो इसके दर्शन के बाद हम लोग का 11 हो जाएगा और एक 12वां बच जाएगा जो कि औरंगाबाद में है। तो नियर फ्यूचर में उसको भी कर लेंगे। और 4 धाम, तो 3 धाम हो चुका है, एक ये रामेश्वरम जो है ये 4th धाम हो जाएगा। तो हिंदू शास्त्र में बोलते हैं कि 4ों धाम का दर्शन और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन होने से जीवन जो है संपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। रामेश्वरम में हमारे एक्स प्रेसिडेंट एबी कलाम, उनका जन्मस्थल है।
और उनका मेमोरियल भी बना हुआ है, तो अगर समय मिलेगा तो उसको भी जाके देखेंगे। और फिर एक धनुष कोटी बोलते हैं, जो समुद्र के अंदर करीब करीब एक सिंगल रोड जाता है 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर। तो ये सभी जगह जो जाने का टाइमिंग है, जैसे मंदिर का टाइमिंग है सुबह 6 से 1 बजे दोपहर तक, फिर 3 से 9 बजे रात तक, और धनुषकोटी में सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक। 5 बजे के बाद वहाँ आप नहीं जा सकते, ना ही कोई बाहर का लोग वहाँ अंदर रह सकता है। जो वहाँ पे गांव वाले हैं बस वही रह सकते हैं। हम लोग सेलम से गुजर रहे हैं अभी। Keep left of the fork. सेलम का स्टील बहुत फेमस है, अब पता नहीं है कि नहीं, पहले तो बोलते थे हम लोग जब पढ़ाई किया करते थे तो। In 200 meters, take the... यहाँ मदुरई के लिए अलग रास्ता हो गया, NH 44 हम लोग छोड़ दिए लगता है, या पता नहीं, चलो आगे बताते हैं आपको, क्योंकि यहाँ से हम लोग राइट टर्न ले लिए हैं। टेक द स्लिप रूम। नहीं, वी आर स्टिल ऑन 44, तो वो टर्निंग के बाद भी हम लोग 44 पे ही हैं। ये सामने का व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है, दोनों तरफ पहाड़, पहाड़ के ऊपर जंगल थोड़े थोड़े, और रोड भी अच्छा है और हरियाली भी खूब है। जाम में फंसे हुए हैं, 5-6 मिनट तो हो गया, पता नहीं कितने देर का जाम रहेगा। काफी लंबा जाम दिख रहा है, पता नहीं कब होगा ठीक ठाक। ETA धीरे धीरे बढ़ रहा है, मदुरई का ETA जो 12:15 था 12:23 हो गया है। ऐसे ही अगर जाम मिलता रहा तो और भी खराब होता जाएगा। मदुरई 184 किलोमीटर। हम लोग अभी कावेरी रिवर को क्रॉस कर रहे हैं टुवर्ड्स मदुरई। टी ब्रेक के लिए हम लोग रुके यहाँ। एक ब्रेक लिया था, ब्रेक में
कॉफी हो गया, डोसा हो गया और नाउ वी आर स्टार्टिंग और रामेश्वरम भाया मदुरई। तो चलो चलते हैं, अब मिलते हैं रोड पे। रास्ता बहुत ही अच्छा है, दोनों तरफ हरियाली हरियाली, रोड भी अच्छे, सामने पहाड़, पहाड़ के ऊपर जंगल, और ड्राइविंग में जो मज़ा आ रहा है मत पूछिए। ड्राइविंग में मज़ा इसलिए भी आ रहा है कि ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है और जो ट्रैफिक है बहुत ही सेंसिबल ट्रैफिक है। इधर विंड मिल बहुत ज़्यादा है, देखिए अभी भी एक विंड मिल का ब्लेड जा रहा है, पहले भी दिखाया था। तो रास्ते में जगह जगह पे इस तरह की जो है विंड मिल जो है देखने को मिला है।
ड्राइविंग में इतना मज़ा आ रहा है कि मत पूछिए। रोड अच्छा, ट्रैफिक नहीं, दोनों तरफ हरियाली हरियाली। तो ऐसा अगर रोड मिल जाए तो ज़िंदगी बन जाए ड्राइव करने के लिए। मज़ा आ गया रियली। गाड़ी रोक दिया है, कॉफ़ी बन रहा है और उसके बाद कॉफ़ी पी के निकल चलेंगे। गर्म पानी लेकर आए थे और कॉफ़ी का सच्चे। कॉफ़ी पी रहे भाई? कड़क कड़क कॉफ़ी, कड़क गरम है। गरम मतलब ठीक है, कड़क भी नहीं है तो। बिंदे हो गया। खाने के लिए कुछ भी लेकर एक बिस्लेरी ला। हाँ? एक बिस्लेरी के बॉटल सामने रख। बीच बीच में आप डिस्टर्ब होंगे मेरे कप से, तो निकलने के जस्ट पहले वायरल हो गया था फीवर वगैरह कप वगैरह, तो एक दिन हमें प्रोग्राम को पोस्टपोन भी करना पड़ा। ये बात है।
हमारे राइट साइड में समुद्र चलने लगा साथ, एक रास्ते में छोटा सा बीच, यही तो आ गया बीच है बगल में। तो आज तो नहीं, आज हम लोग पूजा के चक्कर में कहीं रुकेंगे नहीं, लौटते समय कहीं रुक के दिखाएंगे आपको। स्क्रीन पे देखिए एक ब्रिज है, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो रामेश्वरम पहुंचेंगे। अभी हम लोग उस पर चढ़ने वाले हैं। ये हम लोग पंबन ब्रिज पे हैं, बगल में रेलवे लाइन है और मेरे आपको जो दिखा रहे हैं ये वे ऑफ बंगाल है और उस साइड में जो है इंडियन ओशन है। अभी हम लोग पंबन ब्रिज पे चढ़ गए हैं। सब कोई रुक रुक का फोटो ले रहा है बट अलाउड नहीं है यहाँ पे, फिर भी रोक रुक रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। इधर बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज द इंडियन ओशन। मेरे राइट साइड में इंडियन ओशन है और लेफ्ट साइड में वे ऑफ बंगाल। एंड साइड में देखिए दैट ब्रिज, रेलवे ब्रिज भी हम लोग के पैरेलल चल रही है। बस रोक रहा तो हम कहीं नहीं रोकेंगे भाई। रेलवे ब्रिज पे कितना डर लगता ये हम लोग पंबन ब्रिज पे हैं, बगल में रेलवे लाइन है और मेरे आपको जो दिखा रहे हैं ये वे ऑफ बंगाल है और उस साइड में जो है इंडियन ओशन है। हिल रहा है, नाउ वी आर इन रामेश्वरम, ब्रिज क्रॉस करके सीधा रामेश्वरम। अभी यहाँ रामेश्वरम में एंट्री करने के लिए 100 रुपया का टिकट निकालना पड़ा। अभी भी होटल करीब 2.5 किलोमीटर है, बस पहुंचने वाले हैं हम। और सामने देखो टेंपल दिखने लगा, यहाँ पे 4 गेट है। अब ये कौन सा गेट है, एंट्री शायद नॉर्थ से होती है। क्या हो गया आपके होटल के नाम से? काशीनाथ। काशीनाथ कहाँ से? वेस्ट
वेस्ट टावर, वेस्ट एंट्रेंस। दिस इज आवर होटल SDM। ये साल में एक बार हमारे गली का मंदिर कैसा वाला गली पूरा रामेश्वर में है ना, इसमें अभी बैकसीट वाला गली में पूजा चल रहा है, उनका बैकसीट वाला पूजा तीन दर्शन के पहले हम लोग समुद्र तट पर आए हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए। ये अग्नि तीर्थम है, सीता मैया का अग्नि परीक्षा जो है यहीं पे हुआ था और उसके बाद से इसको ये बहुत ही ज्यादा महत्व है। यहाँ पे रामेश्वर में दर्शन करने जब जाते हैं तो यहाँ से स्नान करके जाना पड़ता है, फिर 22 कुंड का स्नान करना पड़ता है, तब पूजा करना पड़ता है। टेम्पल का मेन गेट है, अभी रामेश्वरम दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। हम लोग सुबह करीब 5:15 बजे बेंगलोर से निकले, 4 बजे होटल पहुँचे, कपड़ा उपड़ा जस्ट लेकर फिर निकल गए हम लोग और फिर दर्शन किया और अभी करीब 6:15 बज रहा, दर्शन उर्शन बहुत अच्छे से हो गया और बहुत साफ सुथरा अंदर में बहुत अच्छा से 22 कुंड में हम लोग नहाए और दर्शन हो गया। और एक पंडित ले लिए थे हम लोग जो होटल वाले ने अरेंज किया था, तो नॉमिनल चार्ज पर ही गेव अस गुड गाइडेड अस।